श्रद्धालुओं, कर्मचारियों, साथियों का मेरा सशस्त्र अभिनंदन और वंदन। साथियों, दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरा, जब सरकार का दुश्मन पर रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे कोई हरा सकता नहीं। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यार के हम यार हैं, आज के भूलों की रानी जंग में तलवार हैं। सरकार इतनी तानाशाही कर रही है कि साथियों, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये हमारे हक और अधिकारों को हनन कर रही है। ऐसी सरकार बहुत देखी, देखो अली जमाने को। राज्य कर्मचारियों का बृहद धरना प्रदर्शन शुरू। आपको ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की आवाज सुन लो, कर्मचारियों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत जी। कम शब्दों में बहुत अच्छी बात, मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे बुलावे में, हमारे बच्चे क्या करेंगे बताओ? कौन गारंटी लेगा इस जो एनपीएस का पैसा कटता है, शेयर मार्केट में जाता है? शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स मंच का उत्तर प्रदेश में एक गठन किया गया था, जिसमें राज कर्मचारियों के सभी संघ, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, महासंघ, सारे पदाधिकारियों का एक संगठन था, जिसमें समता कर्मी, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवा, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, सिंचाई संघ, सारे संगठनों को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारा मेन मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अन्य मांगे हैं जो हमारे मांग पत्र में माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। यदि आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, क्या आगे करें? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो 30 नवंबर को इको गार्डन में बहुत विशाल रैली होने जा रही है। इसके आगामी घोषणा उसी रैली में की जाएगी कि आर पार की लड़ाई होगी और पुरानी पेंशन हम लोग लेके रहेंगे। पूरा शिक्षक समाज, पूरा कर्मचारी आज एकजुट है और ये पुरानी पेंशन हम लेके रहेंगे। पेंशन बहाली हम लोग की प्रमुख मांग है, जिसमें कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर, अधिकार मंच के बैनर तले हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार को नोटिस दिया था कि 5 अक्टूबर को मोटरसाइकिल ले ली, 28 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और आगामी 30 नवंबर को इको गार्डन में हम लोग विशाल कर्मचारी और शिक्षकों को लेकर सरकार को घेरेंगे। हमारा मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाली है। इसके सहित शिक्षकों की और कर्मचारियों की 21 सूत्री मांगे हैं, जो पूरे सरकार के कार्यकाल में लंबित है। कर्मचारी और शिक्षकों के सम्मान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल रैली से सरकार के काल में जू रेंगी है। आज हम लोग का ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर आज भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी तो 30 नवंबर को हम लोग इको गार्डन में सरकार को घेरेंगे और जब तक वापस नहीं आएंगे, चाहे पूरे शिक्षक कर्मचारियों की लाशें गिर जाए, जब तक हम छोटे भाइयों की पुरानी पेंशन बहाली नहीं करा लेंगे, हम इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। यही आंदोलन की मांग।